pockets are made. English pointer, pointer. गाइस इस ब्रीड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए पूरी, जो बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया में रह नहीं सकता। हाफ इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक होती है, आपको इस फैमिली से ही मिलाते हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्कोर। स्कोर, आप क्रिकेट के फैन हो। बोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। कौन सी ब्रीड है ये? भाई सैमोयेद है। सैमोयेद, थोड़ा ब्रीड के बारे में बताइए कि ये लोग लेने से पहले बहुत डरते हैं कि गर्मियों में इसका साम संभाल कितना मुश्किल है। नहीं, इतना टफ नहीं है। ये अपने आप, जैसे आपको जिस तरह इनको रखोगे ये उसी तरह यूज टू हो जाते हैं। जब हेयर फॉल के टाइम मोस्टली लेडीज को शिकायत आती है कि घर में बाल घूमते हैं या सोफा या बेड गंदा कर दिया, आपको कितना टफ उस समय जब इसका श्रेडिंग होता है, कितना चैलेंज होता है आपके लिए? पहले तो ये कहा जाए तो शौक की बात है। अगर आपको शौक है तो आपको ये सब चीजें नहीं इतनी फील होगी, बट हाँ आपको इनको केयर जरूर चाहिए। आप रेगुलरली इनको कॉम करेंगे, अच्छे से रखेंगे, हेल्दी डाइट देंगे तो इतना नहीं, ये सब शिकायत नहीं आती है। और खान पान में कितना मूडी ये ब्रीड होते हैं या जो आप नॉर्मली दोगे सब चीजें खा लेते हैं? सब खा लेता है एक्चुअली, सच में ये घर का फूड भी खा लेता है। ऐसा नहीं है कि हमको इनको बहुत हाई फाई कोई फूड देना पड़ता है या हैज टू पर्टिकुलरली की पेडिग्री पे या कुछ रॉयल कैनन पे रखना, नहीं। वो पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्स रहते हैं बट ये घर का खाना भी खाते हैं। बाकी बच्चों के साथ कितना फ्रेंडली है? बहुत फ्रेंडली। ये इनफैक्ट ये ज्यादा केयरफुल होते हैं बच्चों के अराउंड। अगर बच्चे हैं तो ये उतने शरारतें नहीं करते, ज्यादा केयरफुल। छोटे इनफैक्ट हमारे घर इससे भी छोटा बच्चा है, उसके अच्छा। साथ भी उतना ही फ्रेंडली, बट कभी ऐसे डर नहीं लगा है कि हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्या नाम है आपका? शरण। और जो इससे छोटा है उसका नाम क्या है? लवदीप। और सेम सिचुएशन सीनियर सिटीजन के साथ भी ऐसे घर में बुजुर्गों के साथ? मैं तो कहूंगी एवरी फैमिली शुड हैव अ डॉग, क्योंकि बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं जो बच्चे ग्रोइंग अप एज में होते हैं, दे आर वेरी गुड कंपेनियंस। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मैं भी इसके ऊपर जब वीडियो बनाता हूँ या कह लो साइबेरियन हस्की के ऊपर मैंने वीडियो बनाई तो नीचे कमेंट आते हैं कि गरेवाल सर ये आप मत प्रमोट कीजिए, ये ब्रीड इंडिया के लिए बनी नहीं है, ये रह नहीं सकती गर्मियों में, फलाना ढिमका। आप इसकी एज क्या है और आपको क्या गर्मियों में ऐसा कुछ फील हुआ? एक्चुअली हमने ना एक माइंडसेट बना रखा है, पीपल आर नॉट वेरी अवेयर इस चीज के लिए। इंडिया में आप हस्की भी देखेंगे, बहुत तादाद में हस्की भी। मैंने शूटिंग किया यहाँ पर, वो कहते हैं कि बड़े आराम से रहते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इनफैक्ट हमारे पास इसकी मदर और सिस्टर भी है, वो भी रह रहे हैं। हम कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ये एसी में रहते हैं। अगर आप इनको एक अच्छा माहौल में, लवेबल माहौल में, वार्म में रखोगे, अच्छे से रखोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि दे विल ऑलवेज नीड एसी। और आपको कभी नहीं लगा कि इसको कोई परेशानी हुई, स्पेशली जब पीक ऑफ गर्मी होती है? सच तो मैं ऐसा कभी फील नहीं हुआ, बट हाँ ही लव्स टू बी अराउंड वाटर। पानी में खेलना इसको अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। तो हाँ, सॉरी मैं इसका नाम भूल गया, क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्कोर। स्कोर, आप क्रिकेट के फैन हो? ठीक है, और कोई चीज आप जो व्यूवर्स हैं जो इसको लेना चाहते हैं लेकिन मन में क्वेश्चन है कि यार मैं बालों के रिलेटेड, टेम्परेचर के रिलेटेड कैसे मेंटेन रखूंगा, कोई मैसेज हो आपका? मैं तो यही कहूंगी कि पीपल नीड टू रीड अ लॉट अबाउट दिस, कुछ भी बाय करना। आई एम नॉट सेइंग यू शुड पर्टिकुलरली बॉयज मॉइड, कोई भी आप ब्रीड लेना चाहते हैं आप अच्छे से उस बारे में पढ़िए पहले। Don't go on what people are saying. वो सब जिन्होंने एक्चुअली रखते हैं उनसे बात कीजिए, that will help you and आपको बहुत अच्छा विजन मिलेगा कि आपको वो रखना चाहिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो फ्रेंड, अगर आप सम्योर या हस्की लेना चाहते हो तो नॉट टू बी वरी, आप रखिए, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली,
और प्यार करने वाली ब्रीड है, जस्ट थोड़ा बहुत खान पान टेम्परेचर मेंटेन रखिए और ये रह सकता है फैमिली। गाइज इनका पेज भी है इसका, मैडम क्या पेज का नाम है? ओके आप दिखा सकते हैं सर फोन में है क्योंकि वहाँ पर नॉइज बहुत है, हो सकता है कि कुछ गाइस ना सुन पाए। गाइस इस नन्हे का आपको हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन इसके पेज में आपको मिल जाएगा, प्लीज जरूर पेज को लाइक कीजिए और इस ब्रीड के बारे में अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस फैमिली से जुड़ सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।